तो चलिए आज का मेरा एक वीडियो तो आपके लिए। तो आज हम पोमा जाने वाला हैं, तो पोमा जाएंगे जिस पर होंगे जो प्रेशर मीट, जो हमारे सिविल डिपार्टमेंट का जो मेरा बैच जो क्लास में जो पीप सेमिस्टर जो कंडक्ट कर रहा है, इसको हम आज देखने जाएंगे। मैं तो कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस ऐसे घूमने और देखने और आपको दिखाने पोमा लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पोमा की ओर। तो ये है आर के मिशन गेट, मेरा घर आर के मिशन का अंदर के ही है। चलिए, मेरा एक दोस्त जो गोपुर का तीनियाली पे हमें रुक रहा है, उसके पास पहले जाएंगे और हम साथ में जाएंगे। गोपुर तीनियाली भी कहाँ हमें पता नहीं, ये है क्या, तो यहीं पे रुक के पहले उसको कॉल करेंगे। यहाँ पे भी एक तीनियाली है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं वो कहाँ पर है। चलिए यहाँ से एक बार कॉल करके देखते हैं। हाँ चलिए। तो चलिए, मेरा दोस्त मुझे मिल गया, जो वही है अकेला, वो जो आगे स्कूटी में जा रहा है वही है जो मेरा दोस्त जो मुझे रुक रहा था यहाँ पे। तो ये रास्ता बहुत बड़े खतरनाक है। तो ये आगे में जो जा रहा है वही है जो मेरा दोस्त जो हमें रुक रहा था। पोमा का रास्ता लोकेशन तो मुझे मालूम नहीं, शायद दोस्त को मालूम है, वो हमें लेके जाएगा। ये रास्ता पे ही जू भी चलते हैं, जू भी जाते हैं और गंगा लेक भी, जो लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग बनाया जू और गंगा लेक का, इतना रास्ता खराब। जो ये रहा एक तीनियाली जहाँ पे गंगा लेक और जू जाते हैं, ये लेफ्ट साइड पे जू चलते हैं, यहाँ पे जो जू यहाँ से चलते हैं और गंगा लेक इस तरह, तो पोमा भी शायद इस तरफ होंगे, हमें तो पता नहीं। दोस्त हमें लेके जा रहा है, बस हम उसका पीछे पीछे। तो अभी हम गंगा लेक के नज़दीक हैं, तो यहीं पे जो गंगा लेक जाने के लिए टिकट काउंटर, और ये रहा लेफ्ट साइड में गंगा लेक, यही है जो गंगा लेक का गेट। तो यही ऊपर से उठ के वही अंदर पे ही है जो गंगा लेक। अगर आप मेरे लास्ट ब्लॉक नहीं देखा तो उसे जाके देख लेना, गंगा लेक व्यू बहुत बढ़िया है। मैं तो कभी यहाँ गया नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं कि रास्ता कितना दूरी है, लेकिन जितना चला है शायद 40 किलोमीटर से ज़्यादा चला है क्या। मुझे लगता नहीं यहाँ में कोई प्रेशर मीट के लिए आने वाला है, ज़्यादातर नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे तो बस पोमा का व्यू आपको दिखाना है, वही है बस आज का मेरा ब्लॉग, जो लास्ट तक देखना है जो पोमा का व्यू आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से क्या कौन सा ये ये लोग को पूछा ना। अबे यार कैथोलिक चर्च का सामने में यहाँ पे था ना क्या। तो यहाँ पे तीनियाली है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हुआ जो शायद मेरे दोस्त को भी मालूम है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं, दुकान लोग से पूछा है तो दुकान लोग यहीं पे बता रहा है रास्ता जो पिकनिक पॉइंट जो कमिया में, शायद चलो चल के देखते हैं। हमें तो पूछ के जाना पड़ेगा, रास्ता मालूम नहीं है, अगर भटक गया समझो आज का मेरा प्रोग्राम में जाना कैंसिल। यहाँ पे टावर भी नहीं है जो नेटवर्क, जो किसी दोस्त को कॉल करके बात करो, तो कॉल करके देखो ना, हुआ है क्या, तो गाड़ी लेके जाएगा। तो अभी हम पहुंच गया जहाँ पे स्पॉट पे, तो अभी हम नीचे चलेंगे जहाँ पे वो लोग है, प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई आएगा,
और भी जाके देखते हैं। तो ये रहा मेरा दोस्त जो हम दोनों साथ में आया है। तो ये रहा पिकनिक स्पॉट पॉइंट। तो चलिए नीचे जाके देखते हैं। तो अभी आपको हम दिखाएंगे जो हम कंफ्यूज हो रहा था, पूमा या पूमा, जो नोटिस बोर्ड यहाँ पे लिख के रखा है उसका आपको हम अभी दिखाएंगे। तो ये रहा जो कंफ्यूज हो रहा था वो पूमा पिकनिक स्पॉट पॉइंट। रहालत क्या है, रहालत कंटेक्ट नंबर पूमा पिकनिक रेट 1000 to 2000। तो ये रहा पिकनिक स्पॉट पॉइंट, यहाँ पे एक और वहाँ पे भी एक। तो ये छोटा नदी और ये आगे पे भी एक है। और हमारा टीम जो उस पार है, जो आगे जो सबसे लास्ट में है, जो आपको हम दिखाएंगे, जो हमारा टीम उस पर है, जो ये रहा मेरा दोस्त। तो ये रहा पिकनिक स्पॉट पॉइंट। डूब बोट ये कैसे चल रहा है, जो ये पीछे में जो सबसे लास्ट में हम लोग का टीम। क्या ये पिकनिक स्पॉट पॉइंट का कितना लेता है बोलते हैं? ये लोग 2000 ले रहे आज। आज 2000 एक पिकनिक स्पॉट पॉइंट का 2000। ये बस्ती लोग कितना प्रॉफिट होता होगा? पोमा बस्ती है ना, बस्ती का नाम अलग है। पोमा है, बस्ती का नाम ही पोमा है। आपका फ्लेम जो है ना थोड़ा उसको ना क्यों मीट का आगे डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इतना दूर आ चुका है, जो मेरा टीम लोग वहाँ पे है आगे पे, जो इसलिए कि वहाँ पे गाना बज रहा है, मेरे वीडियो को कॉपीराइट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ दूर आके आपको बता रहा हूँ। तो हमारा फिफ्थ सेमिस्टर जो फर्स्ट ईयर और जो थर्ड सेमिस्टर जो डिप्लोमा करके लेटर एंट्री में आया है, उसी को प्रेसर मीट कंडक्ट कर रहा है। जो वहाँ पे म्यूजिक बज रहा है तो वो मेरा वीडियो को कॉपीराइट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ दूर आके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको हम इसका व्यू भी आपको अभी यहाँ से हम दिखाएंगे। यहाँ पे छोटा नदी, इसके लिए एक ब्रिज बन रहा है। तो आप देख सकता है हमारा फिफ्थ सेमिस्टर ग्रुप उधर है, उधर काम कर रहा है, मैं ही अकेला जो बस यही वीडियो बना के। तो आइए चलो अभी से हम यहाँ से निकलते हैं और ऊपर चलते हैं, तो देखेंगे ऊपर में। अभी म्यूजिक बंद हो गया तो इसलिए हम जा रहे हैं। जब म्यूजिक ऑन होगा तो मेरे वीडियो को कॉपीराइट हो सकता है, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे जहाँ पे मेरा यूट्यूब को कुछ प्रॉब्लम हो। तो कॉपीराइट होने से तो मेरा यूट्यूब अकाउंट बंद भी हो सकता है इसके वजह से। तो अभी हम वापस चलेंगे जहाँ पे पिकनिक स्पॉट जो ऊपर पे। तो ये रहा सब यहाँ पे। अच्छा मिर्चा को चटनी बन रहे हैं। हाँ। ये नया टेक्निक से बढ़िया है। हाँ चलो अभी डांस करो। तो आप यही पे मिर्चा को चटनी बनाने का नया टेक्निक जो वहाँ पे अभी हम देख के आ रहा है, तो आप भी देखा होगा। तो ये सबसे बेस्ट है, थोड़ा लेटना पड़ेगा। वो आगे पिकनिक पॉइंट पे बहुत म्यूजिक बज रहा है, जो बॉलीवुड सॉन्ग, जो मेरे वीडियो को कॉपीराइट हो सकता है, इसके वजह से मैं यहाँ बार बार आ रहा हूँ जो यही पॉइंट पे। तो उतना पड़ेगा, सो लिया।
और ये पिकनिक स्पॉट पॉइंट के लिए वो लोग एक स्पॉट के लिए 2000 लेते हैं, और जो और साउंड सिस्टम के लिए 1500, और बाकी सब ये बर्तन सर्तन वो टेबल चेयर जो भी हो वो सब के लिए भी अलग सा चार्ज लेते हैं, और लकड़ी वो लोग बहुत इससे कमा रहा है। अगर हो सके तो अपना अपना बस्ती में ये सब पिकनिक स्पॉट पॉइंट में रखना ज़रूरी है, यही से जो बस्ती का जो फंड राइजिंग होता है, तो बहुत अच्छा आइडिया है जो इसी तरह होना चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया है जो इसे होना चाहिए, जो बस्ती के लिए फंड राइजिंग के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे जो बस्ती वाला, जो बहुत सारा पिकनिक यहाँ पे खाने आते हैं, पिकनिक स्पॉट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, 10-20 से होंगे, उसी से वो लोग दिन में 10,000-20,000 ऐसे कुछ मिलता होगा, यही सब जो पिकनिक स्पॉट पॉइंट के वजह से जो बस्ती के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। तो अभी म्यूजिक बंद हो गया, फिर से हमें जाना पड़ेगा, तो म्यूजिक बंद हो गया तो हमें फिर आएंगे और फिर जाएंगे, जब म्यूजिक स्टार्ट होंगे तो हम यहीं पे फिर आएंगे और बात करेंगे आपको, आपको बताएंगे। जिसका ये ब्लूटूथ कनेक्ट है ना वो ऑफ कर देने से ठीक है। जलने वालों को पैक दो, ये रहा खाना। सब्सक्राइबर को पार्टी देना है ना 10 सब्सक्राइबर बनाया जरूर जरूर। तो ये रहा जो प्रेशर मीट में आए हुए लोग, वीडियो यार वीडियो हाँ चलेगा। अबे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये आपका स्पॉट है हाँ। या बस्ती का? ये बस्ती का बस्ती जो न सिर्फ आपका ही है क्या, ये जमीन जो आपका सिर्फ है? हाँ ये जमीन जो ये मेरा है, जो अपना जमीन ऐसे फरा हुआ था हाँ। तो एटलीस्ट लास्ट में मैं सोचा था कि हाँ ये इसको कुछ करके दिखाना है करते हैं, तो मैंने सोचा उसको पिकनिक स्पॉट बनाना है हाँ। तब लोग एक स्पॉट का कितना लेते हैं जो एक पट्टी का? ये स्पॉट का हम 2000 लेता है हाँ। और यहाँ मेरा इसमें 3 स्पॉट है, 1, 2, 3, वो पीछे वाला भी आपका हाँ। ये बीच वाला इसको स्पॉट 1 है हाँ। और ये दिख रहा है ये 2 है, और वो नीचे वाला स्पॉट 3 है, वो वाला जो ना हाँ। तो इसमें हम सिस्टम ऐसे रखा है, ये बीच वाला में उसमें प्रोविजन है, इसलिए इसमें सेट में हम ये स्पॉट को दे देता है, जैसे कि इसमें स्पॉट साउंड सिस्टम यूटेंसिल और वॉलीबॉल, इसको 4 आइटम को मिलाकर इसमें फिक्स होता है 5500 में सब टोटल मिला के हाँ टोटल मिला। और लकड़ी शकड़ी वो साथ में देता हाँ, उसमें लकड़ी को साथ में नहीं देता है, लकड़ी को वो एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है, एक्स्ट्रा अलग से खरीदना हाँ, पर पूजा 100 रुपीज़। और जैसे कि हम ये बम्बू को चाहिए और पत्ता को चाहिए बोलने से पत्ता हाँ। का पर पीस 2 रुपीज का कर लेता है हाँ। और बम्बू को पर पीस ये हम 30 रुपीज का कर लेता है उसमें हाँ। और इसमें 2 स्पॉट को, बाकी नंबर 2 और 3 स्पॉट को हम ऐसे करता है, इसमें आप स्पॉट को एक्स्ट्रा ले सकता है, इसके बाद लेने के बाद आप साउंड सिस्टम भी एक्स्ट्रा ले सकता है हाँ। और बम्बू को भी एक्स्ट्रा ले सकता है और लकड़ी को भी एक्स्ट्रा ले सकता है उसमें हाँ। इसमें कोई कोई में जैसे कि कोई कोई पैसा कम वाला भी होता है, इसके लिए हम साथ वाला इसको अलग अलग पार्ट में हम रख दिया हाँ। तो ये सब अलग अलग स्पॉट का पार्ट है ना? हाँ हाँ अलग अलग पार्ट है, 3 पार्ट है मेरा, 3 स्पॉट है हाँ। दिन में बोर्ड आता होगा आदमी लोग?
हाँ दिन में काफ़ी आता है, अभी सीजन है, सीजन में तो और भी अच्छा है, कंटिन्यू जो होता है। मेरा यहाँ ये फैसिलिटी, ये चेयर भी फैसिलिटी होता है, चेयर और टेबल का इसका 500 लेता है, और बाकी तो पहले मैं जैसे बताया वही है। थैंक यू। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पे इसका मालिक जो यहाँ पे बहुत कुछ चारा प्रोवाइड कर देता है, अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ज़रूर पिकनिक मनाने आइए, और जो जो यहाँ पे इक्विपमेंट सब मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम और जो बर्तन सर्तन, आपको कुछ मेहनत करने नहीं पड़ेंगे, बस पैसा होना ज़रूरी है। तो आज हमारा पीप सेमिस दर जो यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, जो प्रेशर मीत, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा ब्रदर है। अरे पार्टी के लाना फोटो नहीं, वीडियो है, यूट्यूब में जा रहे तुम ऐसे यूट्यूब में नहीं डालेगा 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 हनी सिंह। तो अभी सब गाना गा रहे हैं जो यही पे और पीछे पे भी, मिस प्रेसर को याया। क्लैप तो कर दो। मिस्टर प्रेशर का नाम है तकुनालो। मिस्टर प्रेशर का नाम है तकुनालो। तकुनालो तादर पिता। तो ये रहा आज सब, आज का आने वाला जो मिस्टर प्रेशर और मिस प्रेशर। तो ये पिकनिक में जाके बहुत बोर हो गया, तभी हमें वापस जाएगा घर। तभी मैं तो ये प्रोग्राम से, ये पार्टी से जा रहा हूँ घर, तभी हम घर निकलेंगे, और निकलने का रास्ता का वीडियो हम नहीं बनाएंगे ताकि आप बोर ना हो जाए, इसलिए अभी हम निकलते हैं, होगा। तो मेरा दोस्त भी आ गया, तभी हम दोनों साथ में निकलेंगे। तो आज का मेरे वीडियो यही तक, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, तभी हम निकलते हैं।